विधानसभा चुनाव में हार के बाद भूपेश बघेल रविवार देर रात लगभग 10 बजे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल हरिचंदन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नई सरकार के गठन तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने को कहा। इसके पहले सीएम बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जनता का जनादेश हमेशा सिर आंखों पर रहा है। मैं आज भी इस परिणाम को सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं। इस बात का संतोष है कि 5 साल में जनता से किए हर वादे को पूरा किया, वादे से ज्यादा देने का प्रयास किया और छत्तीसगढ़ महतारी की भरसक सेवा की। जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बड़ी है। थे और कुछ पारिवारिक कार्यक्रम थे, इतना से मुझे अभी समय मिला मोबाइल हटाओ यार। अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले तो जनादेश हमने लिया था। अरे भाई मोबाइल हटाओ ना, कौन है? सेवा हम लोगों ने दी, इतना बन सका। थोड़ा फ्रेम में खराब कर रहे हैं यार दोस्त, मिला है थोड़ा चमक लगाओ भाई। हम सम्मान करते हैं और हम कर लोगे जो आवेदन पक्ष में है वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी। सर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है, जिस हार की बड़ी वजह देखिए वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। सर क्या कारण है सर?